यूपी में अब विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है और इस पद के लिए सीनियर विधायक हृदय नारायण दीक्षित ने पर्चा भर दिया है। हमने उनसे बात की और अब यह बिल्कुल तय है कि हृदय नारायण दीक्षित विधायक भारतीय जनता पार्टी भगवंत नगर उन्नाव उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। दीक्षित जी, कई बार आप विधायक रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे और अब अध्यक्ष होने जा रहे हैं विधानसभा के, और काफी मुश्किल काम होता है। हालांकि बहुमत बीजेपी के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी विपक्ष को देखना, उनकी बात को, उनको मौका देना, ये सारी चीजें आपके लिए एक चुनौती रहेंगी। अभी हम अध्यक्ष हुए नहीं, तो इसलिए अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जो विधायक भगवान नगर के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में, उसका उत्तर देना ज्यादा ठीक होगा। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं? हाँ, नामांकन करने जा रहे हैं। कौन कौन से लोग आपके साथ प्रस्तावक हैं, और हमने सुना है कि विपक्षी लोग भी प्रस्तावक हैं आपके? ये संसदीय परिपाटी है और अच्छी भी है कि विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, माननीय लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इनमें विपक्ष भी सहयोग करता है। और चूंकि ऐसे पद दलीय राजनीति से परे होते हैं, तो इसलिए विपक्ष भी संभवतः हमारे प्रस्तावक और समर्थक के रूप में आ रहा है। और पूरा इस काम को हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी देख रहे हैं, तो उनको जानकारी ज्यादा होगी। दीक्षित जी, कल एक विचित्र बात हुई। राज्यपाल ने एक पत्र लिखा है नवगठित विधानसभा को, संभवतः अध्यक्ष चुनने के बाद वो पत्र आपके पास भी आए, कि जो विधानसभा में नेता विपक्ष होते हैं उनको निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित कर दिया गया, उनको मान्यता दे दी गई। राज्यपाल महोदय का ये कहना है कि अभी नवगठित जो विधानसभा गठित होने जा रही है, एक दो दिन में अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा, तो निवर्तमान अध्यक्ष को ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि लोकसभा विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने एक व्यक्ति को मान्यता दी, एक विधायक को मान्यता दी? माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के संरक्षक हैं, सदन के भी, तो उनके पत्र को अभी तक हमने अभी तक पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारी अभी तक स्थिति भगवंत नगर क्षेत्र के विधायक की है। और वो पत्र संविधान के किन उपबंधों के अधीन है, किन प्राविधानों के अधीन है, ऐसा पढ़ने से ही ज्ञात होगा। पर वो संरक्षक हैं और उस पत्र के अनुसार आज तक विधानसभा सचिवालय को जो कार्यवाही करनी होगी उसने कार्यवाही की होगी, क्योंकि मैं एक साधारण सदस्य हूं। तो हृदय नारायण दीक्षित जी, और आज नामांकन है, कल अंतिम चुनाव हो जाएगा, और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि कोई और व्यक्ति चूंकि विरोध में नहीं खड़ा है, इसलिए निर्विरोध ही चुनाव ये होना है, लेकिन एक चूंकि परंपरा, एक प्रणाली है, उसका पालन करना होगा। राज्यपाल को जो पत्र भेजा है निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राम गोविंद चौधरी को नेता विपक्ष के पद पर मान्यता देने के, उसके बारे में फिलहाल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब स्पीकर चुन लिए जाएंगे तो हो सकता है कि इनके संज्ञान में भी ये प्रश्न लाया जाए। कैमरा पर्सन अमरिंद शाह के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ।